लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतने वाली मनीषा की सिसकती जिंदगी की क्या है दास्तां? क्यों अपने सारे सर्टिफिकेट और मेडल्स को ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दी? राज्य और देश के लिए खेल चुकी मनीषा के सारे अरमान आंसुओं में बह गए। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के पूछने पर अपना दुखड़ा क्यों नहीं सुना पाई, मनीषा ने अपने आत्मसम्मान, राज्य और देश के स्वाभिमान को क्यों प्राथमिकता दी? झारखंड की बेटी लॉन बॉल खिलाड़ी जिसने देश और राज्य के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, वो मनीषा क्यों गुमनाम जिंदगी जी रही है? कैसे उसके सारे सपने एक एक कर टूट कर बिखर गए? किसी ने भी लॉन बॉल खिलाड़ी मनीषा की सुध क्यों नहीं ली? तमाम पहलुओं पर देखें ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन की विशेष रिपोर्ट। लॉन बॉल में मनीषा राज्य, देश और विदेशों में अपने खेल प्रदर्शन से कई मेडल और प्रशस्ति पत्र जीते। मनीषा की घर की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिता का साया बरसों पहले उठ गया, अब माँ भी नहीं रही। एक भाई और दो बहनें हैं, जैसे तैसे जीवन गुजर बसर कर रही है। मनीषा भले ही ऊपर से मजबूत दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। सारी उम्मीदें धीरे धीरे कर बिखर रही हैं। लॉन बॉल में देश के लिए गोल्ड जीतने वाली और कई सारे मेडल्स जीती, लेकिन राज्य या केंद्र सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली। न उसे कैश अवार्ड मिला, न ही एक अदद नौकरी। मनीषा ने कई प्रयास किए, हर जगह दौड़ी, हर एक विभाग के अधिकारियों के पास गुहार लगाई, लेकिन खेल के मैदान से लेकर सरकारी सिस्टम तक में आश्वासन ही मिला। हमारा काम था खेलना, हम अपना बेहतर परफॉर्मेंस किए और उस चीज को किए जो कि इंडिया जो है 20 साल से सरवाइव कर रही थी कि किसी तरीके से मेडल जीते, उस चीज को हम प्रूव कर दिए कि इंडिया में कोई गलती नहीं है, किसी से भी टक्कर ले सकती है, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाइना हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री हो। इंडिया को सबसे पहला गोल्ड मेडल कहां और कैसे मिला? ये जो है सो 2009 में 8 से 16 अगस्त 2009 को इंडिया को पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला। वो इंडिया का ट्रिपल में हम पार्टिसिपेट किए थे अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ और इंडिया को पहला मेडल था, वहीं फिर दूसरा भी हम ब्रॉन्ज भी जीते और बस यहां पर मतलब कि पहला इंडिया का मेडल, पहला इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल। माँ की मृत्यु भी पैसे के अभाव के कारण हो गया। माँ बाप की लाडली बेटी मनीषा खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाती रही, देश और राज्य की मान भी बढ़ाई, लेकिन बीमार माँ की जान नहीं बचा सकी। इसी बात का मलाल है, इसी बात का दुख है। खुद को और पूरा सिस्टम को इसके लिए जिम्मेवार ठहराती है। हमारे कारण मेरी माँ का मृत्यु हुआ है, क्योंकि हम भैया को रोक दिए कि तो भैया जी तुम पैसा को उपाय नहीं करो, आराम से बातचीत हुआ है हमारे, कैसे वो डर रहा है, तुम कोशिश मत करो कहीं से लोन लेने का, मम्मी ठीक हो जाएगी। ये बहुत बड़ा बात था, उस समय भैया को नहीं रोकना चाहिए था मुझे, कहीं से भी लेकर के मेरी मम्मी का इलाज होना ज्यादा बेहतर था। मेरा भरोसा ये लोग तोड़ा है, सभी कोई मेरा भरोसा को तोड़े है। 9 साल से ये लोग बर्बाद कर दिए। हम भले ही इस फील्ड में गए, कहीं और भी जाते तो हमारे में वही क्वालिटी रहता, हम कहीं भी कुछ भी जीत सकते थे। हमारा पेंटिंग का शौक पहले से, फैशन डिजाइनिंग का शौक पहले से, फैशन डिजाइनिंग में हम कितना फिल्म स्टार लुक के लिए भी दिल्ली में भी काम कर चुके हैं, बहुत लेवल पर काम कर चुके हैं, डिजाइनिंग अपना बेच चुके, हम किसी तरीके से जीवन काट लेते। लेकिन ये नाम सम्मान मिलना कहीं ना कहीं मेरे लिए घातक हुआ, क्योंकि नाम सम्मान तो मिला लेकिन पैसा कुछ भी नहीं मिला। और ये लोग समय खा गए सारे, कोई प्रैक्टिस जम के करो, मेडल जम करके लो, लेकिन पैसा नहीं देंगे। और लेकिन वादा जम करके करेंगे, वादे में कोई कमी नहीं करेंगे, वादा जम करके करेंगे। अब वादा क्यों करते हैं? वादा कीजिए तो वादा को पूरा कीजिए, वादा को आप पूरा नहीं करते। आर्थिक तंगी से गुजर रही मनीषा के पूर्व में मकान मालिक किराया ना देने की बात कहकर घर से सामान भी बाहर फेंकवा दी थी।
कई सारी परेशानियों को झेलना पड़ा एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी को। संयोग से हम और बेबी थे और ये जो आपको बता रहे हैं कि घर खाली करवाने का जो आया, जो कोई भी आया, जो भी पुलिस फोर्स ये सब जो कुछ भी आया, सब कुछ उसका खर्चा हुआ था। और जो पता चला है, भैया जी आपको बताया कि नहीं, लगभग उसके लिए 10 लाख रुपया ये लोग खर्च किया है, 10 लाख रुपया कि हम लोग निकल जाए। घर से निकलने की बात हुई तो क्या ऐसा स्थिति आया था कि सारी घर के सामान को बाहर फेंक दिया गया था? हाँ हाँ, वो लोग ऐसा किया था, इसलिए किया था क्योंकि वो लोग बेइज्जत करना चाहता था। मनीषा कहती है कि कैसे कौन बने करोड़पति में पहुंची, कैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन कैसे उसके खेल के जुनून से प्रभावित हुए। उन्होंने केबीसी में मनीषा का इंट्रोडक्शन भी शानदार तरीके से दिया, लेकिन किस्मत यहाँ भी धोखा दे गई। मनीषा को चांस नहीं मिला, एपिसोड की अंत हो गई। मनीषा कहती है कि उसे चांस नहीं मिला, इस बात से अमिताभ बच्चन भी दुखी हो गए थे, पर उन्होंने मनीषा को अपने घर बुलाया। काफी देर बाद की अमिताभ बच्चन ने मनीषा से पूछा, क्या चाहिए बोलो, लेकिन मनीषा ने अपने आत्मसम्मान, देश और राज्य की स्वाभिमान की खातिर कुछ नहीं बोली। मनीषा कहती है, जब खेल के मैदान में जीत दर्ज करती हूँ तो खुशी होती है, फिर कैसे अमिताभ बच्चन से कुछ कह पाती, इसलिए उसने मदद लेने से इनकार कर दिया। पर सच तो यही है कि पैसे की खातिर ही केबीसी में गई थी। मनीषा की घर की आर्थिक स्थिति न पहले अच्छी थी और न अब है। जीवन से संघर्ष कर रही है लॉन बॉल के एक बेहतर खिलाड़ी। केबीसी में मतलब कि वो जो रजिस्ट्रेशन खुलता है उसमें हम पार्टिसिपेट किए, संयोगवश मेरा रजिस्ट्रेशन में जो जो मुझसे सवाल पूछा गया, जैसे जैसे मेरा एंट्री आता गया वैसे वैसे हम सवाल का जवाब देते गए और वहां ऊंचाई तक पहुंचे कि पहले कलकत्ता और कलकत्ता से फिर मुंबई और मुंबई से फिर जो है सो सबसे पहले मुंबई में पहुंचे तो उनका फोन आया कि तुम हमारे घर पर आओ, अमिताभ बच्चन सर के घर पर। अमिताभ बच्चन से मिले, उनके जया बच्चन मैम से मिले, इसके अलावा सभी कोई से मिले, अभिषेक भैया नहीं थे, सिर्फ वो नहीं थे, बाकी सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको बताते हैं, मुझे जो पढ़ने का जो समय मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला क्योंकि गेम का हम लगातार तैयारी कर रहे थे। और उस दिन ग्रैंड फिनाले में मुझे बुलाया गया। ग्रैंड फिनाले में ऐसे 7 या 8 पार्टिसिपेट करते हैं, 10 में 7 या 8 करते हैं, उस दिन टोटल था 3 ही। 3 से संयोग में 2 का तो हम जवाब दिए, 1 का नहीं दिए। अमिताभ बच्चन सर को उस दिन का अगर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, या आप 2013 में जो ये हुआ था आया था ये टीवी पर, तो उस समय सर भी वही कपड़ा पहने थे, मुझसे मिलता जुलता कपड़ा पहने थे, एकदम संयोग से लग रहा था ना कि जैसे सर अमिताभ बच्चन सर मेरे लिए तैयार हुए हैं मेरे साथ। लेकिन संयोग बस -1 सेकंड से भी कम सेकंड में हम जो है सो मिस कर गए और वो मतलब कि इतना दुखी हुए कि मुझसे हाथ भी नहीं मिला। ये भले ही बाद में बहुत बात की है, अभी भी फोन पर उनसे बातचीत होती है, लेकिन वो पल हम भूल नहीं सकते। क्या बोले वो जब देखे कि झारखंड की बेटी जो है कि देश के लिए खेल रही है, तो क्या ऐसा कुछ बात बोले हो जो एकदम जबरदस्त मेरा एंट्री हुआ था, जैसे बोले अब आ रही है इंडिया के लिए पहला गोल्ड और इंडिया के लिए पहला ब्रॉन्ज लेने वाली, एकदम जबरदस्त एंट्री था। मतलब कि वो देखते ना आप, और वो संयोग से आपको बताते हैं कि वो खुद कहे कि आज तक कोई स्पोर्ट्स प्लेयर का हम इस तरीके से नहीं किए थे, पहला स्पोर्ट्स प्लेयर जो कि इस तरीके से एंट्री हुआ। कि घर में वो हमसे पूछे कि मनीषा तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए, जो तुम बोलोगे वो हम अभी देंगे तुमको। पहले पूछे कैसे कैसे मेडल जीते और सारा कुछ पूछे उछे, और उसके बाद बोले मम्मी क्यों नहीं आई, आपकी मम्मी क्यों नहीं आई। तो मम्मी को हम लोग इसीलिए नहीं कहा कि दो ही का एंट्री था, तो मतलब मम्मी और मेरी मम्मी नहीं जा सकी थी, तो वो बोले कि मम्मी को एक दिन लाना हमसे मिलवाने के लिए पर्सनली, तुम मम्मी और अपनी एक बहन है वो दोनों को लेकर के आना।
तो हम तो संयोग से नहीं जा सके, उसके बाद मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन वो जो है सो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो, क्योंकि उनका खेल के प्रति काफी इंटरेस्ट है। तो जो मुझे पता चला तो हम बोले कि सर बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वो मेरे लिए मिल गया, वही बहुत बड़ा है और इंडिया के लिए हम बहुत सारा मेडल जीत सके, बस हमको ये आशीर्वाद दीजिए और बहुत खेल सके और बहुत कुछ नाम कमा सके। हमको अगर पैसा मांगना पड़ता तो जिस समय हम अमिताभ बच्चन के यहाँ केबीसी में गए, आज भी उनसे बहुत बार बातचीत हुई है, हम उसका नंबर किसी को नहीं दिए हैं। एक्स वाई जेड हम आज भी चाहे तो मुंह खोल सकते, लेकिन अपना स्वाभिमान को बेच करके कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी इज्जत को कभी भी नहीं। कहे कि इंडिया के लिए जब हम मेडल ले सकते तो हम किसी से ये मानते कि हम किसी से कम नहीं है। हम इंडिया को मेडल दिए मतलब कि जिस तरीका से सैनिक भारत के लिए काम करता है उसी तरीका से हम भी किए हैं, हम भी कहीं ना कहीं भारत का सर, अपने देश का सर ऊंचा किए। कैसे साजिश के तहत मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि मनीषा कहती है कि उसे अपना तकनीक सिखाने के लिए विदेशों से भी ऑफर है। वो अपने खेल की तकनीक दूसरे देश के खिलाड़ियों को सिखाकर देश से गद्दारी नहीं करना चाहती है। जब मेरा न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्शन हुआ था, न्यूजीलैंड में हम लोग लगभग ये 1 मंथ के लिए रहे थे इंडिया टीम, और उस समय हमको वहाँ के जो कोच है उन्होंने एक ही मुझसे कहा था कि तुम 2 साल के लिए रह लो, तुम्हारा जो है सो हम पासपोर्ट बनवा देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तुमको पर मंथ का 2 लाख सैलरी रहेगा, गाड़ी रहेगा, सब कुछ है, तुम जो है सो न्यूजीलैंड के लिए काम करो। और न्यूजीलैंड के लिए हमको क्या काम करना था, न्यूजीलैंड के लिए हमको बताना था कि इंडिया का या अपना टेक्निक देना था। एक हमारे पास जो टेक्निक है वो टेक्निक तो सबका एक अपना अपना टेक्निक होता है, मेरा भी अपना टेक्निक है, वो टेक्निक रिचर्ड सर को काफी पसंद आया, और रिचर्ड सर इसी के कारण हमको ये किए थे कि बहुत आगे तक जाओ, मतलब वहाँ की लड़कियों को प्रशिक्षण दो आप, हाँ टेक्निक सिखाना। हाँ लेकिन मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हम इंडिया के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं कि हम इनकी बात को अगर बता देंगे और इंडिया कोई भी मेडल से चूकती है तो ये अच्छा नहीं होगा हम लोग के लिए। भारत के साथ कोई भी गद्दारी हम नहीं कर सकते थे, झारखंड के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकते थे, जहां हम जन्म लिए वहां के साथ कोई गद्दारी नहीं। मनीषा रोती है, उसके आंसू बहते हैं, वो बहुत दुखी है। झारखंड की बेटी की सहायता किसी ने नहीं की, मनीषा ने कभी खुद से मीडिया प्रेस में अपनी परेशानी को लेकर नहीं गई। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन के बहुत आग्रह पर उसे कुरेदने पर उसके सब्र के बांध टूट गए और उसने एक एक कर अपनी आप बीती को बताई, जिसे सुनकर कोई भी व्याकुल हो जाएगा। 2003 में मेरे पापा का डेथ हो गया और उसके बाद अचानक से हम लोग तो उस समय काफी छोटे छोटे थे, आर्थिक परेशानियों का सामना लगातार करते रहे, जितना हमारा खर्च होता था उससे कहीं ना कहीं कम ही मतलब कि भैया के पास आ पाता था, लेकिन फिर भी जो है सो मेरा एक सपना था कि पापा कहें हमको इंडिया के लिए, और उसमें से भी मेरे ऊपर वो लोग खर्च करते थे, हमेशा हमारे अकाउंट में पैसा रहना जरूरी था। मुझे आज तक लगभग सिर्फ 35,000 रुपए मिले जो कि मम्मी के इलाज के लिए गीताश्री मैम ने दिया था 29 अगस्त 2014 को, इसके अलावा 1 रुपये भी इन लोगों ने नहीं दिए। और जहां तक है कि जब इंडिया को पहला गोल्ड मिला तब मैं सबसे ज्यादा खुशी थी क्या कि एशियन का मेडल का कीमत बहुत है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन लंबी लंबी बातें सबने कहा, किसी भी मंत्री ने, किसी भी जो है सो किसी ने भी कुछ भी नहीं, बड़ा बड़ा बात कहे कि ये करेंगे तो वो करेंगे, ऐसे देंगे वैसे करेंगे, सारा कुछ करते करते आज यहाँ तक पहुंचे। और आज भी है कि घर का खाना खाते हैं तो भैया कमाते हैं, उसी से ही होता है। पापा ने जो सपना देखा था कि मेरी बेटी मनीषा एक दिन इंडिया के लिए खेलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी, गोल्ड जीतेगी, वो सारा चीज तो आपने किया। हाँ सारा कुछ, लेकिन मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो सपने धीरे धीरे करके टूट रहे हैं, चकनाचूर हो गए। हाँ लगता है, क्योंकि पापा का सपना ये था कि इंडिया के लिए ये गोल्ड, इंडिया के लिए सबसे पहले तो ये खेले,
इंडिया टीम में इसका सिलेक्शन हो और फिर ये अपना परफॉर्मेंस दिखाए। और मैंने अपना 100% परफॉर्मेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन 75% में परफॉर्मेंस दिखाया था। 100% अगर रहते तो सबसे बड़ा बात है कि आज तक हम 2009 में ही नहीं, आज तक हम खेलते रहते। और जो कि बाकी प्लेयर अभी भी कॉमनवेल्थ में जो गए हैं 2010 में, 2014, 2018 तीन कॉमनवेल्थ में गए, तीन कॉमनवेल्थ 2014 और 18 में जो गए, हम तो नहीं पार्टिसिपेट किए। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि अगर आगे भी कॉमनवेल्थ के लिए मेरा सिलेक्शन हो तो हम बिना मेडल का वापस नहीं आएंगे। 2014 में जब मेरी माँ का मृत्यु हुआ उस समय कोई भी नहीं आया, कोई भी किसी तरीका से मुझे सपोर्ट नहीं किए। एक होता ना कि रघुवर दास सर आते, ये न्यूज छपा है दैनिक जागरण में, आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का जो ये था कि कोई भी सपोर्ट करते कि मनीषा ये तुमको, हम उस समय नहीं अपना गलती को मानते, वो लोग गलती को मानते, सिर्फ गलती मानते, पैसा हमको नहीं देते, कम से कम गलती मानते कि मनीषा हमसे गलती हो गया, हम जैसे तुमको तुम्हारी माँ का ऐसे मृत्यु हो गया, ये बहुत गलत हुआ, सिस्टम के कारण तुम्हारी माँ का ये हुआ। कोई ये दो शब्द बोलने तक नहीं आया ये लोग। आज जब कोई दो शब्द बोल नहीं सकते हैं जिस तरीका से मेरी माँ पर ये नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करेंगे आगे चल करके। किस कदर एक होनहार खिलाड़ी की प्रतिभा को कुचला गया, उसे गुमनाम जिंदगी की ओर धकेल दिया गया। आज सिसक रही है मनीषा की जिंदगी। उसने बताया कि कैसे सब पर से भरोसा उठ गया है, कैसे उसने निराशा में अपने सारे मेडल्स, अपने सर्टिफिकेट्स को बोरे में डालकर ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दी, कैसे सारे अरमान पानी में बह गए, कुछ मेडल्स और सर्टिफिकेट ही बचे हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में है, आप जाइएगा आसाम जाइएगा यहाँ ट्रेन से, तो यहाँ से कलकत्ता से जैसे भी आप, यहाँ से भी होगा लेकिन हम तो हमेशा कलकत्ता होकर के गए हैं, तो आसाम में जो है सो आराम से ये है ब्रह्मपुत्र नदी पड़ेगा बीच में, जो है सो आराम से हम पॉलिथीन में पूरा जो है सो सारा जो है सो उसको आप जो देखते हैं कि ये प्याज आलू जो इसमें पैक होता था, लाल रंग का ये रहता था, जाली टाइप का रहता था, झोला टाइप का बना हुआ जिसमें प्याज आलू 15 से लिया जाता है हम लोग के तरफ, तो वो जो है सो हम लोग रखते थे तो उसको संभाल के रखते थे, उसी में सारा सर्टिफिकेट को ले गए कि पानी में ही अच्छी तरीका से बह जाए कि हमको कोई भी सबूत नहीं मिले, कभी हम इसके प्रति इंटरेस्ट नहीं ले गेम के प्रति जो हमारा। और ये मतलब कि आज मुझे मतलब कि इसको रोना आता है ये सब बोलते हुए, लेकिन आप जो आपकी मृत्यु का कारण हो है ना, आपके माँ बाप की मृत्यु का कारण है, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी आत्म स्वाभिमान है अपने प्रति है ना, तो आप उस जगह पर जॉब नहीं करना चाहिएगा जो आपके कातिल है। तो आपने सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल को ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया। हाँ बहुत सारे। बहाते समय मन में क्या भावना आई? बहाते समय तो यही मन में भावना आया कि इसके साथ साथ हम भी बह जाए, कि खेल ही खत्म हो जाए, क्योंकि इस खेल के कारण भैया भी कमजोर पड़े, घर का स्थिति भी कमजोर पड़ा और मेरी मम्मी का जान भी दिया। थोड़े दिन का खुशी क्या बात है, जब इंडिया को पहला मेडल लिए बहुत खुशी का बात है, लेकिन जब मेरी माँ का मृत्यु हुआ उससे बढ़कर के कोई दुख नहीं है, उसका कोई भी कमी को पूरा नहीं कर सकता। आज मेरी मम्मी उस रूप में रहती तो मतलब बिना पैसा का भी हम खुश रहते, जो कि खुशी नहीं है। आज आज कितना भी कह दे लेकिन भीतर से ऊपर से ढोंगे कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम तीनों भाई बहन भीतर से कमजोर है, भीतर से खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग को अपनी माँ का बहुत अफसोस है, क्योंकि माँ का पैसा के कारण ये हुआ ना। क्योंकि आप लोग अगर सीधे बोल देते, झारखंड हमको बोल देती कि तुमको कोई एक पैसा भी मेडल का नहीं दिया जाता, भैया देखते दूसरा उपाय करते। मुझे ये था कि एक दिन मुझे वो बनना है कि झारखंड आज मुझे जितना पैसा देता उससे कहीं ज्यादा पैसा मुझे खुद के दम पर कमाना है, ना अपने भाई ना अपनी बहन के। और इस कारण से मैंने अभी आपको बताते हैं, लेटेस्ट में 30 जून को लग्जमबर्ग ये जर्मनी में है, वहां 40 लाख रुपया के लिए पेंटिंग एग्जीबिशन में अपना 3 पेंटिंग डाला है और इसका भी जो है सो रिजल्ट आएगा 30 सितंबर को। वहां मैंने 3 लेटर दिया पीएम पोर्टल पर
और तीनों लेटर में दो लेटर में ये जवाब आया, एक पहला लेटर का तो मतलब कि रिप्लाई आया कि आप आगे ट्राई करें, तो फिर हम लोग हमने जो है दूसरे लेटर को ये किया और फिर दो पीएम लेटर पीएम पोर्टल पर लेटर किया, उसके अलावा दोनों में ये आया कि आप झारखंड में डायरेक्टर से बात करें, स्पोर्ट्स डायरेक्टर से, और वहां से काम हो जाएगा, ये बोला गया। तो उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं, कहीं से कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई भी मेरे पास वैसा फोन नहीं आया कि मनीषा तुमको पैसा दिया जा रहा है। तो ये लेटर किस वर्ष में लिखे गए थे? ये अभी जो है सो हाल फिलहाल का बात है, लगभग जो है सो जून जुलाई का बात है। आज हताश और निराश मनीषा पेंटिंग्स बनाकर बेचती है, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे घर का खर्च निकलता है। माँ और भाई की बीमारी के समय गोल्ड लोन लिया, जो कि आज तक किस्त ही भर रही है। समय पर किस्त नहीं जमा करने पर मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। मनीषा की स्वास्थ्य भी काफी गिर गई है, वो काफी कमजोर दिखती है। इंडिया के लिए खेलने वाली बेटी का ये हाल देखकर वाकई बहुत दुख होता है। मनीषा को उसके हक और अधिकार से किसने वंचित रखा? आज कई खिलाड़ियों को हेमंत सरकार ने नौकरी दी, लेकिन मनीषा की जिक्र किसी ने नहीं की, क्योंकि उसकी चर्चा कहीं नहीं की गई। मनीषा के खिलाफ साजिश ऐसी रची गई कि आज वो बेबस हो गई है, लेकिन कहती है कि फिर से मैदान में लौटने का मौका मिला तो मेडल्स जरूर जीतूंगी। एक बगल मेरे पिता का सपना और एक बगल मेरी माँ का मृत्यु, दोनों एक अलग सिचुएशन है। इस सिचुएशन पर सोचना 50-50 का है। अगर मुझे बुलाया जाता है तो मेरा टारगेट सिर्फ ये रहेगा कि हम भरपूर प्रयास करें, मेडल जीते, इंडिया जिस इंडिया में मेरे पापा पैदा हुए, मेरी माँ का जन्म हुआ, वही हम लोग का जन्म हुआ है, उनके प्रति मेरा कुछ और कंट्रीब्यूट रहे तो हम मेडल लेंगे, इंडिया को मेडल दिलाएंगे। और दूसरी तरफ उससे कुछ भी आशा नहीं करेंगे कि आप मुझे कैश अवार्ड दें। कैश अवार्ड मेरा सिर्फ आज तक का मामला है, कैश अवार्ड का भी हमको आगे का कोई प्रयास नहीं रहेगा। ये मेरा इंडिया का पहला मेडल है, इंडिया को पहला मेडल मिला था, झारखंड को पहला, इंडिया के झारखंड के लिए हम खेले थे, इंडिया के लिए खेले थे, रिप्रेजेंट किए थे, तो ये हमारा ये है कि ये लोग इसका हमको मेडल का पैसा दे दे, बाकी मेडल से हमको कोई मतलब भी नहीं। इंडिया का ये जो पहला बार 2009 में हम चार मलेशिया और चाइना में गए, इसका हम मुझे मेडल मिल जाए, लेकिन अगर मौका लगा मुझे तो कॉमनवेल्थ खेलेंगे और कॉमनवेल्थ में खाली हाथ नहीं लौटेंगे, खाली हाथ हम कभी नहीं लौटेंगे, हम मेडल लेकर के लौटेंगे और वो भी इंडिया को पहला मेडल होगा। ये लोग विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन मेरा खुद पर विश्वास है कि मेरे पास जो टेक्निक है उससे हम आराम से हरा सकते हैं। नेशनल गेम्स जो हुआ था यहाँ पर, नेशनल गेम्स जो हुआ था, मुझे प्लानिंग वे में बिहार से खिलाया गया, जो कि हम कभी नहीं चाहते थे, और मजबूरी बस मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और मुझे इस कारण से वो एक्सेप्ट करना पड़ा। और नहीं तो मतलब उन लोगों ने कहा था कि तुमने बिहार से खेलो, तुमको वही पैसा मिलेगा झारखंड से, झारखंड में मेरा प्लेयर जीतेगा, उसका 50% तुमको तुरंत पैसा दे दिया जाएगा, उससे तुम अपनी माँ का इलाज कराओगे, और इसके साथ साथ जो भी बाहर जाने का है फिर से तुम झारखंड के तरफ से ही इंडिया को मेडल दे सकोगी, ठीक है, बाहर इंटरनेशनल खेलने जा सकूंगी। अंतिम में जो है मुझे हारने के लिए कहा गया, जब हम मैच में जब ट्रायल का हो रहा था, यहाँ सिलेक्शन हो रहा था, उस समय मुझे उसमें हराया गया, हम ना चाहते हुए भी हारना पड़ा। फिर आपको बता रही नेशनल गेम्स में भी मुझे हारना पड़ा, ये सब प्लानिंग वे में काम हुआ। इंडिया को जो भी झारखंड नेशनल गेम्स में मेडल दिया 2011 में, वो सिर्फ बिहार का बहुत बड़ा सपोर्ट था गर्ल्स में। मतलब खिलाड़ियों पे ये दबाव भी होता है कि आपको मैच हारना है? हाँ, मैच हारना है। अब उसमें आप जो है सो आपका जो खेलने का तरीका है आपको उसमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपको तो अगर एकदम नजदीक में इतना इतना दूरी पर आपको बॉल डालने का आदत है, तो आपको
आपका अपोनेंट कहीं ना कहीं कमजोर है, वो अगर इतना दूर पर डालता है तो आपको इतना दूर पर डालना होगा, ये लगातार आपको संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए भी हारने के लिए भी प्लानिंग बनाना पड़ता है कि कैसे हारे, जितना जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा हारने के लिए, क्योंकि वो टेक्निक किसी के पास नहीं होता है, हारने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करता है, लेकिन वो मुझे बनाना पड़ा। जब वो एक खिलाड़ी जो है कि जीत के ही जज्बे लिए मैदान में उतरता है मेडल जीतने के लिए, और उसी खिलाड़ी को बोला जाता है मैदान में जाकर कि तुम अपना प्रदर्शन मत दिखाओ और हार जाओ, उस दिन कैसा महसूस हुआ था? केवल माँ की बीमारी के लिए पैसे चाहिए थे? हाँ, और इसके साथ साथ कि आगे करियर भी बना रहे, मुझे ये था कि हम लंबा समय तक गेम में रहे, और आप ये देखिएगा कि किसी भी प्लेयर को इच्छा रहता है कि अगर वो लगातार संघर्ष करते करते यहां तक पहुंचता है, बचपन से आज तक संघर्ष कर रहा है, तो उसका एक ही इच्छा रहता है कि जिस ऊंचाई पर हम पहुंचे उस ऊंचाई पर लगातार बरकरार रहे। जैसे इंडिया के लिए मेडल लिए तो लगातार हम इंडिया के लिए सिलेक्शन मेरा होता है। तो उस मैच में आप हार गए, सब कुछ हुआ, तो जो वादे किए गए थे कि पैसे मिलेंगे, आप अपनी माँ का इलाज कर सकते हैं, तो क्या वो हो पाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तक कि मेरी मम्मी रिम्स में एडमिट थी, मैंने उनसे कहा कि सर वो सब तो बाद में होगा, मुझे 50,000 रूपये की एकदम सख्त जरूरत है अभी 10 मिनट में। उन्होंने इससे ही कर दिया कि नहीं हो सकता है। ठीक है, जब मुझे ये झटका पहुंचा, मेरे भैया ने कहा था कि तुम हारने का क्यों, हम तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन जब आप ही सोचिए कि अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है और उसको जो है सो पैसे का आवश्यकता है, तो वो उसका मेंटली जो है सो अगर उसको बोला जाएगा कि तुम हारो और तुमको जो है सो मदद मिल जाएगा, और तो वो करेगा, कोई भी प्लेयर करेगा, हम नहीं बोल रहे, और प्लेयर ही नहीं, कोई भी अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसका जान से बढ़कर के उसके लिए कुछ नहीं है। तो आप मानती हैं कि पूरे सिस्टम की भेंट आपकी माँ चढ़ गई? हाँ, सही बात है, और वो ही नहीं चढ़े, हमारा पूरा परिवार चढ़ गया इस सिस्टम का भेंट। आज भी हम क्राइसिस भोग रहे हैं। एक एक दिन में हमको याद है कि जब हम मलेशिया में थे, चाइना में थे, न्यूजीलैंड में थे, तो मेरे भैया जो है सो 2,000 का कॉल करते थे, क्योंकि जैसे मम्मी की तबीयत खराब हुई तो आपको लगता है ना कि मम्मी से बात करें, अगर आप एक महीने के लिए तो आप मम्मी से बात कीजिएगा, एक घंटे दो घंटे लगातार बात कीजिएगा। हमको पैसे का पता नहीं है कि पैसा कितना लगता था उस समय, लेकिन बाद में पता चला कि 1,000 रूपये खत्म हो जाते थे ये सिर्फ मम्मी से बात करने के लिए, मम्मी का आवाज सुनने के लिए। तो ये बात आज बहुत खलता है कि मेरे कारण मम्मी को जो है जो सही समय पर दवाई नहीं हुआ, यहाँ तक कि हम लोग का एक सपना था कि बिलौर में जाए, क्योंकि रिम्स में जो डॉक्टर थे काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, और उन्होंने कहा था कि तुम बिलौर ले जाओ, अभी तुरंत का जो इनका सिचुएशन है तुरंत मेकअप हो जाएगा, और यहाँ रिम्स में हम लोग ना चाहते हुए 20-20 दवा हम लोग को देना पड़ता है, वहां मात्र 2-3 दवा दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी मम्मी एकदम सर्वाइव कर जाएगी, एकदम अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। और हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, इसीलिए हमने ये जो रघुवर दास है उनसे बात भी करी थी, अपनी बात को भी रखा था, एकदम आमने सामने बात की है कि सर हमको पैसे का सख्त जरूरत है, अभी हमको तुरंत कैश रोड का तुरंत जरूरत है, आप किसी भी तरीके से करा दीजिए, क्योंकि हम बिलौर में चाहते हैं अपनी माँ का अच्छा से इलाज कराना, मेरा सपना एक है। उन्होंने कहा, ये हामी भी भरा कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन कहां गया वो ये, उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। जब लगातार संघर्ष कर रहे हैं हम, तब तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया। सरकार बदल गई, समय बीत गया, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अगर आपको कुछ कहना पड़े कि मैं खेलना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, युवा मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, तो आप उनसे क्या कहेंगे? हम बोलेंगे सर खेलना और जॉब करना, जॉब करने का सपना हम छोड़ चुके, क्योंकि जो मेरी आप कहे या नहीं कहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार है मेरी माँ का मृत्यु का, मेरी माँ के आज नहीं रहने का कारण सिस्टम जिम्मेदार है। अगर सब कोई जीते रहते तो मेरी माँ को कोई ऐसा ये नहीं हुआ था जिसके कारण उनका मृत्यु हो जाए। तो मुझे जॉब करना नहीं है, जॉब तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन मेरा कैश अवार्ड मुझे वापस कर दे, मुझे कैश अवार्ड दे दे जो मेरा हक है।
कि वो लोग हमारा कैश अवार्ड मुझे दे दे, क्योंकि कैश अवार्ड अगर आज मुझे मिल जाता है तो हम अपना कुछ हद तक स्थिति को अच्छा पोजीशन बना सकेंगे, मेरे अपने घर को मदद कर सकेंगे, है ना, अपना बिजनेस को आगे कर सकेंगे। हमारा ये है कि ठीक है आपके जॉब में अब हम जॉब नहीं करेंगे, अपना बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के लिए तो आप नहीं ना रोके हैं। ट्रैवल इंडिया टीवी में सरकार और खेल मंत्री तमाम अधिकारियों और समाज के लोगों से अपील करती है कि मनीषा की मदद को आगे आए, उसका हक दिलाने में, उसे इंसाफ दिलाने में मदद करें, ताकि इस बेटी की प्रतिभा, इस बेटी का सपना साकार हो सके। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मनोज सरन। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।